जेसीबी या दूसरी चीजों को प्रशासन ने दूर से देखा और जैसे ही वो नजदीक आए तो उसके बाद टीयर गैस छोड़ दी गई, तो टीयर गैस जो आंसू गैस छोड़ी गई है और उसके बाद की स्थिति इस समय आपको बता रहे हैं कि एक बार फिर से लोग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हुए और कोशिश एक बार फिर से टीयर गैस एक बार फिर से और अलग अलग तस्वीरें टीयर गैस की आप तस्वीरें देखिए, कुछ ट्रैक्टर के ऊपर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं प्रदर्शनकारी और अब बहुत बड़ी तादाद में है। एक बार फिर से लगातार हमारे पास जो आवाजें टीयर गैस दूसरी तरफ से छोड़ने की आ रही हैं और वो तस्वीरों के जरिए कैमरे के जरिए आप देख पा रहे हैं और लगातार टीयर गैस दूसरी साइड से हरियाणा वाली साइड से देखिए एक बार फिर से रुक रुक कर आवाजें आ रही हैं, फिर आवाजें आ रही हैं, देखिए टीयर गैस और लगातार एक टकराव वाली स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिख रही है और उस स्थिति के बीच जो प्रदर्शनकारियां अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए शंभू बैरियर की ये तस्वीरें आगे बढ़ते हुए बहुत बड़ी तादाद में पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा संख्या में आप कह सकते हैं कि प्रदर्शनकारी हैं जिनकी तरफ से अब आगे कूच किया जा रहा है और बैरिकेडिंग की तरफ वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब फिलहाल कोई शेलिंग नजर नहीं आ रही कि टीयर गैस कोई छोड़ा जा रहा हो, लेकिन अब प्रदर्शनकारी बहुत एक आक्रामक अंदाज कह सकते हो कि उस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और बैरिकेड की तरफ जाने की कोशिश उनकी तरफ से की जाएगी और टीयर गैस एक बार फिर से दूसरी तरफ जी हाँ दोनों तरफ से एक बार फिर से टीयर गैस और लगातार उस तरीके से ही टीयर गैस जो छोड़ी जा रही है और भीड़ को पीछे करने की कोशिश है, खदेड़ने की कोशिश है एक तरह से और वही तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं और काफी हैवी आप कह सकते हो बैक टू बैक बहुत सारे जो टीयर गैस है वो छोड़ी गई हैं अभी भी लगातार जारी है। थोड़ा जूम आउट करके अगर आगे दिखा पाए क्योंकि आसमान से टीयर गैस के गोले बरसते हुए सामने से आ रहे हैं और एक एक करके बहुत सारे अभी तक टीयर गैस के गोले आ चुके हैं, लेकिन इस बीच प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते हुए प्रदर्शनकारी काफी आगे निकलते हुए एक ट्रैक्टर आगे निकल गया है बैरिकेड के नजदीक पहुंचता हुआ ट्रैक्टर और इस बीच फिर से जो टीयर गैस है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और ट्रैक्टर एक जो दूसरी तरफ से आगे बढ़ा है और दूसरी तरफ से आगे जाने की कोशिश है, यानी कि जो टीयर गैस का इस्तेमाल है वो दोनों तरफ है। जब आप दिल्ली जाते हैं और दिल्ली से वापस आते हैं दोनों तरफ टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया है और एक बार फिर से बहुत हैवी शेलिंग हमको नजर आ रही है और मैं तस्वीरें अगर दिखा पाऊं तो पूरी तस्वीरें बिल्कुल एक तरह से व्हाइट चादर जिस तरह से धुंध हो उस तरह की तस्वीरें हमें नजर आ रही हैं। रुक रुक कर हर एक मिनट में दो तीन टीयर गैस हमें दिखाई दे रही हैं, आवाजें सुनाई दे रही हैं, एक यहाँ पैनिक वाली सिचुएशन शंभू बॉर्डर के ऊपर इस समय बनी हुई नजर आ रही है। बहुत बड़ी संख्या में किसान तो पहुंचे हुए हैं लेकिन इस बीच प्रदर्शनकारियों की तादाद पिछली बार के मुकाबले इस समय बहुत ज्यादा है। पिछली बार जितने थे यानी कि अब से लगभग एक डेढ़ घंटा पहले जब पूरी हैवी टीयर गैस के गोले बरसाए गए थे और अब उस समय के मुकाबले अब आप कह सकते हैं कई गुना ज्यादा जो प्रदर्शनकारी हो चुके हैं और टीयर गैस के द्वारा पहले बिल्कुल पूरा ग्राउंड एक तरह से खाली करवाने में हरियाणा का प्रशासन कामयाब हो गया था, लेकिन अभी काफी आगे जाते हुए और कुछ प्रदर्शनकारी बिल्कुल टीयर गैस के बीच में से आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए और वो भी तस्वीरें अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं और उसका असर या प्रभाव मैं कहूं कि हम लगभग 100 मीटर पीछे हैं जहां पर टीयर गैस आकर गिर रहे हैं और 100 मीटर तक भी उसका पूरा आप कह सकते हैं कि हम महसूस कर पा रहे हैं कि उसकी गैस का प्रभाव और बहुत सारे लोग पीछे लगातार आ रहे हैं। भीड़ कभी पीछे आती है कभी आगे, ड्रोन के जरिए एक बार फिर से ड्रॉप करने की कोशिश होगी ड्रोन के जरिए। जी हाँ बिल्कुल पीछे हम होने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल अब ड्रोन के जरिए ड्रॉप किया जाएगा। ड्रोन के जरिए देखिए एक बार से फिर से यूज किया गया है टीयर गैस को ताकि भीड़ को और पीछे किया जाए। जो मैं पहले जिक्र कर रहा था कि टीयर गैस छोड़ने की एक लिमिट जरूर होती है जब आप गन के साथ फायर करते हैं, इसलिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, काफी दूर तक ड्रोन के साथ छोड़ा जा रहा है और देखिए ड्रोन फिलहाल एक टीयर गैस ड्रॉप कर दिया गया और
लग रहा है कि थोड़ा और आगे बढ़ सकता है ड्रोन और उसकी ओर से टीयर गैस का एक बार फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। थोड़ा सा पीछे हटता हुआ ड्रोन, एक और ड्रोन की तरफ से एक और छोड़ा गया है टीयर गैस और लगातार ड्रोन के जरिए कोशिश की जा रही है कि ड्रॉप किए जाएं। और दूसरी तरफ से गन के जरिए भी लगातार जो जारी है टीयर गैस छोड़ी जा रही है। ड्रोन एक बार फिर से मूवमेंट करता हुआ और पीछे आगे होता हुआ नीचे की तस्वीरें अभी हम जरूर दिखाते रहे क्योंकि दोनों तरफ ना सिर्फ एक बार फिर से ड्रोन के जरिए टीयर गैस छोड़ी गई है एक बार फिर और लगातार ड्रोन के जरिए जो टीयर गैस छोड़ी गई है उसके ऊपर कुछ पत्थरबाजी भी हुई। ड्रोन वापस जाता हुआ लेकिन इस बीच प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए और टीयर गैस एक बार फिर से टीयर गैस छोड़ी गई है लेकिन इस बीच प्रदर्शनकारी धीरे धीरे और आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही पहुंचते हैं आगे आप अंदाजा लगाइए कि जैसे ही बैरिकेड के पास पहुंचे तो उसके बाद एकदम से फिर से टीयर गैस छोड़ दी जाती है और बहुत सारे लोग जो यहां पर मौजूद हैं वो थोड़ा पीछे होते हैं और फिर आगे। यही इस समय की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है और तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि क्या कुछ इस समय माहौल शंभू बॉर्डर के ऊपर बनता हुआ नजर आ रहा है। मेरे से होगी लगातार तस्वीरें हमारे तक पहुंचाते हुए। देखिए तस्वीरें और प्रदर्शनकारी क्योंकि खेतों की तरफ भी चले गए और उस तरफ भी दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से प्रदर्शनकारियों के साथ साथ जो लोग यहां पर केवल देखने के लिए पहुंचे हैं वो भी आपको यहां पर नजर आ रहे होंगे। लेकिन उस बीच दूसरी तरफ अजय अगर दिखा पाए एक बार फिर से दिखा पाए बहुत हैवी शेलिंग एक बार फिर से होती हुई नजर आ रही है और बैक टू बैक बहुत सारे टीयर गैस छोड़े जा रहे हैं। और जो मैं तस्वीरें देख पा रहा हूं इन तस्वीरों के जरिए थोड़ा बयान करने की कोशिश भी मेरे से होगी। अजय इस समय इन तस्वीरों को हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं अजय कुमार और इसके साथ साथ हमारे सहयोगी राजेंद्र पंकज कपाही इस समय शंभू बॉर्डर के ऊपर मौजूद हैं। हमारे अगर मैं बात करूं तो यश और अर्श ये भी हमारे सहयोगी लगातार इस समय ये तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए लगे हुए हैं। तस्वीरें अपने दर्शकों तक और एक बार फिर से आप टीयर गैस का इस्तेमाल जो लगातार किया जा रहा है हरियाणा पुलिस की तरफ से हरियाणा प्रशासन की तरफ से वो तस्वीरें सब कुछ बयान करती हुई। लेकिन अब मैं अगर बात करूं तो काफी ज्यादा हैवी शेलिंग के बाद एक एक करके लगातार टीयर गैस आ रहे हैं और इस बीच भीड़ थोड़ा बहुत आगे पीछे होती है लेकिन जो कपड़े हैं या फिर जैसे कोई बोरे होते हैं जूट बैग होते हैं उनको भिगोकर रखा गया और उनके जरिए उनके ऊपर भिगोए हुए जो जूट बैग है उनके ऊपर डालने की कोशिश है। लेकिन देखिए इस बीच एक बार फिर से पीछे खदेड़ दिया है प्रदर्शनकारी थोड़ा और पीछे आते हुए और लगातार अब टीयर गैस जो चैलिंग होती हुई नजर आ रही है और ये तस्वीरें आप तक हम दिखा रहे हैं और लगातार ये तस्वीरें अपने आप में कहानी को बयां करती हुए कि आखिर किस तरह का माहौल इस समय शंभू बैरियर के ऊपर बना हुआ है और लगातार टीयर गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो किसान नेता कुछ कहने की कोशिश बीच बीच में हमें लाउड स्पीकर पर उनकी आवाज भी सुनाई दे रही है लेकिन देखिए स्थिति यहां की इस समय की ऐसी है कि पीछे से एक बार फिर से जो किसान है वो आगे बढ़ने की कोशिश